तो एक्सेल का एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले फार्मूला जो है वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है, इक्वल ना, सिंपल से है, हम यूज करते हैं फार्मूला जो है इक्वल से स्टार्ट होता है। ऑन अ एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय, जो एक्टिव सेल है जिस सेल पे हम काम करते हैं वो सेल कैसे दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है। ये एक्सेल लिए सीट लिए, एक्सेल में हम काम कर रहे हैं, तो ये एक्सेल कैसे, ये जो सेल है वो कैसे दिखाई दे रहा है। डॉट बॉर्डर है क्या चारों तरफ, कि डार्क वाइट बॉर्डर है, कि ब्लिप बॉर्डर है, कि इटैलिक बॉर्डर है, क्या बॉर्डर है। ये देखो ना एक्टिवेट है, क्या है ये देखो बॉर्डर चारों तरफ कैसा दिख रहा है बॉर्डर, आ डार्क वाइट बॉर्डर, समझ में आया। एक सेल जिसको क्लिक करते हैं वो डार्क वाइट बॉर्डर में दिखाई देता है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल, सेल के साथ क्या अटैच रहता है जो वहां पर जाने पे दिखाई देता है सेल में। सेल सेल जानते हैं ना किसको बोलते हैं, ये क्या है हमारा सेल है, तो इसके साथ क्या अटैच रहता है जो वहां पर जाने पे दिखता है। यहाँ सेल में कुछ लिखा हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ, रिव्यू, रिव्यू में जाने बाद कमेंट, हम कमेंट में कुछ भी जानकारी लिखते हैं तो वहां पर जा रहे हैं ओवरव्यू, मतलब ऊपर में सेल के ऊपर में, सेल के ऊपर आया ना, दिखाई दिया क्या, दिखा क्या दिया कमेंट। हाउ विल कैन वी सेल कमेंट, सेल कमेंट को कैसे देख सकते हो, अभी आया था। क्लिक द कमेंट, फिर वी मेन्यू, क्लिक द एडिट, सेल के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो आपको दिखाई देता है, समझ में आया, द पोजिशन ऑफ माउस पॉइंटर्स, विच ऑफ दिस विल नॉट सेलेक्टेड ऑल द सेल्स इन डॉक्यूमेंट, नॉट किस ऑप्शन के द्वारा सेलेक्ट नहीं कर सकते, सेलेक्ट ऑल से कर सकते हो, कंट्रोल ए भी सेलेक्ट ऑल का है तो कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते हो, तो किससे नहीं कर सकते, थ्री टाइम आप राइट बटन, आप थ्री टाइम क्या एक टाइम भी क्लिक करो कहाँ होगा सेलेक्ट, समझ में आया। देखो थ्री टाइम है, एक टाइम भी करे तो भी नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट हुआ तो थ्री टाइम। द डिफॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डेटा की, न्यू डेटा की, नॉर्मल डेटा की मतलब समझ रहे हो ना, ये मैंने एंट्री किया ये आपका डेटा की है, तो नॉर्मल कौन सी स्टाइल है, नंबर सीखे हो, नंबर करेंसी डेट और टाइम टेक्स्ट दशमलव वाली संख्या के लिए, तो नॉर्मली मतलब बिना कुछ चेंज किए कौन किस मोड पे रहता है, ये किस मोड पे रहता है जर्नल, ये देखो कौन से मोड पे है जर्नल, लेकिन इसमें आपको जर्नल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो क्या होगा नॉर्मल। इफ यू प्रेस द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग, टाइपिंग जो एंट्री कर चुके हैं सेल में उसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, जो हमने एक्सेल में टाइपिंग कर चुके हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, इंटर। विच ऑफ द की फॉलोइंग शॉर्टकट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल, मैंने कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है अब उसको चार्ट में कन्वर्ट करना है तो कौन सी की के द्वारा कर सकते हैं,
हमारे पास एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को मुझे चार्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? चार्ट में। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट की क्या है? F10 नहीं आया, F11, F11 किस में आया? F11, F11 के द्वारा उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला पैलेट इज यूज टू, जो फॉर्मूला पैटर्न है वो किस लिए यूज किया जाता है? फॉर्मेट सेल कंटेनिंग नंबर, क्रिएट एंड एडिट फार्मूला। फार्मूला जो पैलेट है, फार्मूला पैलेट जानते हो कि नहीं जानते हो? कहाँ पर है फार्मूला पैलेट? यहाँ पे है पैटर्न, है ना, ये आपका फार्मूला पेटल है। तो फार्मूला पेटल के द्वारा आप क्या कर सकते हो? कंटेनिंग नंबर कर सकते हो, क्रिएट एडिट कर सकते हो फार्मूला को, डेटा या कॉपी ऑल सेल क्या कर सकते हो? फॉर्मेट क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, यानी बी। अ वैल्यू यूज इन अ फार्मूला दैट डज नॉट चेंज इन कॉल्ड अ वैल्यू जो यूज कर रहे फार्मूला में, उसको किसको चेंज नहीं कर सकते? कॉन्स्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर। सेल एड्रेस यानी पता। वेरिएबल क्या होता है? उसके बाद स्टैटिक्स, हम किसे चेंज नहीं कर सकते, है ना, जो स्थिर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसशीट कॉन्स्टेंट्स जो है वो कॉलम में रहता है कि रो में रहता है? कि रो और कॉलम में रहता है। जो किस में रहता है? रो एंड कॉलम। अच्छा ये बताइए, रो एंड कॉलम में रहता है तो जो कॉलम है उसको किससे शो करते हैं? किससे शो करते हैं कॉलम को? किससे शो करते हैं? अल्फाबेट से। ABCD है ना, रो को। टोटल कितने कॉलम है? 10 लाख। टोटल कितने कॉलम है? 16,384। और रो कितना है? 10,48,576। कंट्रोल पेस्ट कीजिए, डाउन बटन कीजिए, लास्ट में आ गए। गिनती करना सिखाए होंगे, सीखे हो कि नहीं? एक से लेकर 16 लाख तक। फील सीरीज ट्रेंड, ओके, देखो लास्ट लिखा गया 16,384। टू ओपन, देखो रो और कॉलम से मिलकर बना है, तो ये कॉलम है और ये रो है, तो ये जो सेल है रो कॉलम से मिलकर बनते हैं। टू ओपन एग्जिटिंग वर्कशीट, जो ओपन था उसको एग्जिट कर दिए, फिर उसको ओपन बार में करते हैं। ये पुराना वर्जन का है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड। नॉट असिस्टेड विथ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स जानते हो ना, स्पेलिंग मिस्टेक होता है उसको सही करने के लिए, तो उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाई देता? एडिट नहीं रहता, इग्नोर की, इग्नोर ऑल की, चेंज इधर। सीखे हो ना, यूज नहीं किया? सीखे हो, इतना सिंपल सा ऑप्शन। स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज नहीं किया हो क्या? यहाँ पर रिव्यू, रिव्यू में जाने के बाद स्पेलिंग ग्रामर देखो, इग्नोर वंस है, इग्नोर ऑल है, चेंज है, चेंज ऑल है, ऑटो करेक्ट है। एडिट दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया, तो क्या नहीं रहता? एडिट।
वट टर्म डिस्क्राइब अ बैकग्राउंड दैट अपियर्स एज अ ग्रेनी नॉन स्मूथ सरफेस, क्या आएगा? सरफेस हल्का सा पतला सा जो एक्सल बैकग्राउंड में दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? ये हल्का सा पतला सा दिखाई दे रहा पट्टी, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट नहीं सीखे हो क्या? व्यू ऑन ऑफ करते हैं, ठीक। एक्सेल क्या है? ग्राफिक्स है, वर्ड प्रोसेसर है, प्रेजेंटेशन है कि स्प्रेड शीट है? क्या है? स्प्रेड शीट। मैंने C1 कॉलम, समझना है ना, C1 से लेकर H10 तक सेलेक्ट करता हूं तो इसका एड्रेस क्या होगा? समझ रहे हो ना, C1 से चालू किया और H10 में खत्म किया तो उसका एड्रेस क्या होगा? रेंज, क्या होगा? रेंज बोलते हैं। बी C1 कोलोन H10, जैसे कि यहाँ पर मैंने इक्वल किया, फिर ये C1, फिर H10, C1 कोलोन H10, समझ में आया? यू कैन कन्वर्ट एग्जिट एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट टू HTML डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसको HTML में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? इंटरनेट असिस्टेंट, इंटरनेट विजर्ट, इंपोर्ट विजर्ट, एक्सपोर्ट विजर्ट, क्या रहता है? इंटरनेट असिस्टेंट विजर्ट के द्वारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो एक्सेल में बना है उसे HTML वेब पेज बनाना, अभी आप लोग को आगे सिखाएंगे हम। टू क्रिएट अ इंटरेक्टिव पिवट टेबल फ्रॉम न्यू द वेब योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब कंपोनेंट HTML पिवट टेबल, पिवट टेबल रिपोर्ट, पिवट टेबल लिस्ट, क्या कह रहा था? सीखे हो ना पिवट टेबल के बारे में? किसमें आता है पिवट टेबल, भूल गए? क्या आएगा? पिवट टेबल रिपोर्ट, रिपोर्ट फाइल करते हैं ना, जैसे हमारे पास कोई डेटा है, ये डेटा है, ठीक है, ब्रांचेस अलग है, प्रोडक्ट अलग है, मंथ अलग है, परचेस और सेल्स। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद पिवट टेबल में जाते हैं, पिवट टेबल क्रिएट, फिर ओके। अब मैं ब्रांच को क्लिक करता हूँ, देखो आप एक ब्रांच को 10 बार या 100 बार एंट्री करो, आएगा सिर्फ एक ही बार। उसी तरीके से प्रोडक्ट को आप 100 बार एंट्री करो लेकिन आएगा एक ही बार। और इससे देखो कौन सा प्रोडक्ट कौन से ब्रांच में है, पता चल रहा है। आप कौन से प्रोडक्ट को कौन से मंथ में सेल किए, परचेज प्राइस, फिर सेल्स प्राइस, यहाँ पर प्योर टेबल बनाते हैं। तो देखो प्योर टेबल चार्ट है, रिफ्रेश है, क्रिएट है, अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं प्योर टेबल। व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन अ कॉलम, कॉलम डेटा इन अ रो, कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हो? कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा, नहीं आया समझ में, रो को कॉलम में? जैसे अभी ये बताओ
कि ये अभी कॉलम में है कि रो में है, सेलेक्ट किए हैं वो, सेलेक्ट किए उसको देखो, ये कॉलम में, तो मैंने आया ही नहीं ऑप्शन, क्यों नहीं आया? क्योंकि सबसे पहले हमको कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी, और जिस लोकेशन में लेकर जाना है वहां पे क्लिक करते हैं, फिर पेस्ट में जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, हुआ? तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, किसके द्वारा होता है, ट्रांसपोर्ट। ये सारे ऑप्शन और सिखाए गए हैं अच्छे से, याद होगा तो। एक्सट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अ फार्मूला विथ लॉजिक फंक्शन, ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, नॉट का, और का, इफ का, कि एंड का, कौन सा यूज करते हैं, नॉट और इफ? नहीं पढ़े हो, ट्रू फॉल्स वाला नहीं पढ़े हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन नहीं पढ़े हो, हैं? पास फेल नहीं देखे हो, तो फिर कंडीशन करने के लिए इफ माइक्रो कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू, जो माइक्रो का ऑप्शन है रिकॉर्डिंग वाला, वो किस में आता है, कौन सी मेनू में है? माइक्रो का जो ऑप्शन आता है वो कौन से मेनू में है? नहीं सीखे एक सर, ना तो फिर ना भी याद नहीं है कि किस में आएगा, चलो इसी में से बता दो, उसको छोड़ दो, पुराना वर्जन है, 2007 तो सीखे हो ना, व्यू, व्यू में जाने के बाद दिखाई दिया, एमएस वर्ड में भी इसी में है, याद होनी चाहिए। प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्ट सीट, सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, अब ये भी याद रखो, जो प्रोटेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन आता है वो किस में आता है, किस में आता है? अच्छा कहाँ है फॉर्मेट, उसके बाद फॉर्मेट प्रोटेक्ट सीट, ये याद है, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूम, मैक्सिमम जूम, कौन सा जूम इसमें नहीं होता, नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज, पास नहीं होता, क्योंकि अधिकतम कितना है, 400 है, इसीलिए 500 नहीं हो सकता। देखो मिनिमम कितना है, 10, मैक्सिमम 400, 10 और 400। यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट व्हेन अप्लाइंग कंडीशन फॉर्मेली फॉर्मेटिंग, कंडीशन को दोबारा चेक करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट, बताइए सेल की वैल्यू पे कि फार्मूला पे, भाई कोई कंडीशन अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला में हो जाएगा कि वैल्यू में हो जाएगा, वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना, कोई नंबर, दोनों में होगा तो लॉजिक है, बोथ ऑफ ए वो, एक फार्मूला रहेगा नंबर रहेगा तब तो कोई कंडीशन अप्लाई करोगे, 60 से ऊपर होगा तब तो फर्स्ट फर्स्ट होगा, ये हुआ ना कंडीशन, लगा ना कंडीशन है वैल्यू के आधार पे, इस तरीके से बनाना सीखिए। हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर, एक्सेल में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हो, एक्सेल में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हो,
नहीं कर सकते। क्या है? ये सीट है और ये क्या है? टेबल है। और ये जो दिख रहा है ये बॉर्डर है। क्या बॉर्डर है? सेल बॉर्डर है ना। तो इसमें पेज बॉर्डर नहीं होता, जबकि इसमें पेज बॉर्डर, पेज ही नहीं, बॉर्डर कहाँ से होगा? इसमें सीट है। क्या है? ये सीट है। जो भी होता है, टेबल बनता है या तो सेल बॉर्डर होता है, पेज बॉर्डर नहीं बनते। विच फंक्शन इज कैलकुलेट योर मंथली मॉर्टगेज पेमेंट? मंथली पेमेंट, मंथली जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना रहता है, वो किस का यूज करते हैं? कौन से फार्मूला? पीएमटी का यूज करते हैं, पेमेंट है ना, फार्मूला का यूज करते हैं। सब क्लास हुआ है, ध्यान से देखिएगा। विच टाइप ऑफ चार्ट कैन बी एक्सेल प्रोड्यूस? एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट बनता है? कौन सा ऑप्शन आएगा? लाइन ग्राफ, बार, लाइन ग्राफ, बार, बार चार्ट, लाइन, कौन सा ऑप्शन है इसमें? कौन सा चार्ट बनेगा? बार, लाइन और पाई, क्या बाकी में नहीं है? बाकी में भी तो है ना ऑप्शन। क्या आएगा आंसर? बी ही आएगा। क्यों आएगा बी? बाकी में भी तो सेम है। वाह, बाकी में दो बदल दिए। नहीं, उसका नहीं है। बाकी में देखो ओनली लिखा हुआ है। ओनली मतलब सिर्फ उसी का, और बी वाले में ओनली नहीं लिखा है। तुम लोग इसलिए बोले हो क्योंकि ज्यादा दिख रहा है उसमें, है ना। ज्यादा की वजह से नहीं, ओनली की वजह से, क्योंकि इससे ज्यादा भी चार्ट होते हैं, है ना। ओनली हाउ इज द डेटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेडशीट? डेटा ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? कॉलम और रो में, क्लियर अपलेन में, लाइन और स्पेस में, हाइट और विड्थ, किसमें होता है? जो डेटा स्प्रेडशीट है वो किससे मिलकर बना है? रो और कॉलम में। VLOOKUP फंक्शन यूज टू, VLOOKUP जो फंक्शन है वो किस लिए यूज करते हैं? VLOOKUP फंक्शन यूज टू, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। ग्रीड लाइन में भी टर्न ऑफ, ग्रीड लाइन जो दिखा है ना स्मूथ, उसको आप बंद कर सकते हो, लेकिन प्रिंट आउट के समय ऑन कर सकते हो। कथन सही है कि गलत है? मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, लेकिन जब मैं प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ तो इसको ऑन कर सकता हूँ। सही है? पेज लेआउट में जाते हैं, यहाँ से व्यू ऑफ हुआ तो प्रिंट ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखो आया। तो हमारा जो कथन है वो सही है। हाउ डू यू चेंज कॉलम विथ टू फिट द कॉन्स्टेंट? समझ रहे हो? हमने कोई नाम लिखा किसमें? सेल में। ये सेल में मैंने लिखा अब देखो दो कॉलम में आ गया। अब मुझे एक ही कॉलम में लाना है, तो डबल क्लिक करोगे अच्छी बात है, लेकिन किस पे? सिंगल क्लिक बाउंड्री का लेफ्ट साइड में, कि डबल क्लिक करोगे तो राइट साइड में, कि लेफ्ट साइड में? ये सेल है,
तो इसमें लेफ्ट ये लिखा हुआ, इसमें ये लेफ्ट हुआ या राइट हुआ? राइट साइड में। और क्या बोला, एक प्रेस अल्ट एंड सिंगल क्लिक एनी वेयर इन द कॉलम, मतलब आप अल्ट प्रेस करो और कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो, राइट साइड में जो कॉलम का है लाइन, उसको डबल क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर डबल क्लिक बाउंड्री राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, कॉलम का जो हेडिंग है उसके राइट साइड को हम डबल क्लिक करते हैं। टू इंसर्ट थ्री कॉलम, तीन कॉलम चाहिए आपको, कॉलम ए और कॉलम के बीच में, बी के बीच में। ये कॉलम, ये डेटा लिखा हूं और ये डेटा लिखा हूं, मुझे इन दोनों के बीच में और कॉलम चाहिए। तो मैं कॉलम ए को क्लिक करूंगा कि कॉलम बी को क्लिक करूंगा? किसको? किसको? कॉलम बी को। हमेशा आपको चाहिए जिस साइड आप इंसर्ट करते हो तो उसके लेफ्ट साइड आता है। किस साइड आता है? लेफ्ट साइड आता है, जिस सेल में रहते हैं उसके लेफ्ट साइड में आता है। टू ट्रैक अ सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्क मोड। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया। ये डेटा है, ये आपके पास डेटा है, ठीक है। इस डेटा को मैं सेलेक्ट करने के बाद ये ऐसा लेफ्ट माउस क्लिक करता हूँ, फिर दूसरे शीट में लेके जाना चाहता हूँ। आ रहा है क्या दूसरे शीट में? नहीं आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है कि टेब है? तो सबसे पहले हम कंट्रोल ट्राई करते हैं। कंट्रोल बटन क्लिक कीजिए, लेफ्ट माउस क्लिक कीजिए, दूसरे शीट में आई, आ रहा है क्या? नहीं। अब शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, आ रहा है क्या? नहीं। अब करते हैं अल्ट बटन, अल्ट बटन के साथ आया, तो किसके साथ होगा? अल्ट के साथ, अल्टर। यू कैन एक्टिव अ सेल बाय, सेल को एक्टिवेट कैसे कर सकते हो? टैब बटन से, क्लिक करने से, कि एरो से, कि सभी से? जैसे एक सेल है, ये एक्टिवेट है, मुझे इसको एक्टिवेट करना है, तो क्या करूंगा? क्लिक किया, एक्टिवेट हुआ, यहां पर हूं, एरो के द्वारा आया, एक्टिवेट हुआ। तो और टैब बटन से भी कर सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, तो क्या आएगा? ऑल ऑफ एबो। अ फंक्शन इनसाइड अदर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन यूज होता है, आपने फार्मूला यूज किया, एक फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला। जैसे इफ में आपने 60 से बड़े फर्स्ट डिवीजन लिखा, फिर इफ डाले 45 से यानी 45 से सेकेंड डिवीजन, तो एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, यानी एक फार्मूला के अंदर और फार्मूला यूज करते हो तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नेस्टेड। क्या कहलाता है? नेस्टेड। तो ये आपके 35 क्वेश्चन हुए, और भी क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाते हैं, पढ़ के आइएगा अच्छे से। थैंक यू।